शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ बेटा बंटी, अरे ये सब का है? बोतल तो रखे हो यार, क्या हो रहा है बंटी? ये सब का है बंटी? वो जब से पंखुड़ी बुआ गई है ना, तब से घर की रौनक ही उड़ गई है। सब उनको याद करे जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो हमने सोचा कि हमारे तरफ ध्यान लाने के लिए आप सिर्फ एक ही तरीका है, एक गेम खेलेंगे, रुक और डेयर। मतलब या तो आपको सच्ची सच्ची बोलना पड़ेगा या फिर जो काम हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। और ट्रुथ और डेयर आप लोग खुद से चुन सकते हैं। ये ठीक किया बंटी ने, माँ का मन अच्छा हो जाएगा। तो चलो सब लोग बैठो बैठो। नहीं नहीं, हम नहीं खेलेंगे बंटी, वैसे भी आधे लोग तो है ही नहीं, आप लोग खेलिए। लेकिन भावना बुआ क्यों? सिर्फ ग्रैंड मामा ही तो नहीं है? वही तो, हम लोग उनके बिना भी खेल सकते हैं। नहीं बंटी, हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसे तो गुड़िया बनी पूरी हवेली में डाँव डाँव घूमती रहती हो, आज बच्चा बनने का मौका मिला है तो खेलोगी नहीं? बैठ जाओ, आज हम भी फ्री हैं, चलो सब खेलेंगे। ठीक है। तो फिर ठीक है, जिसके ऊपर बॉटल आएगी उसकी बारी आएगी और उसे त्रुत या फिर डेर लेना होगा। आप लोग चुन सकते हैं। तो फिर चलिए। तो फिर बाबा आप क्या चुनेंगे, त्रुत या फिर डेर? अरे बेटा, हमें तो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, कुछ ही पूछ लो जवाब ना दे पाएंगे हम। ऐसा करो, तुम वो डेयरिंग वाला दे दो। तो फिर आप गाना गाएंगे? गाना? बेटा गाना तो गुसल खाने में गाते हैं, हम अच्छा नहीं गा पाते हैं गाना। ये तो असली खेल है भंताओ जी। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना जोर दे ही रहे हो तो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। अरे हमसे नहीं। भाभी अब हमसे तो सच ही बुलवा लो, काहे कि ड्रामेबाजी हमसे होगी नहीं ना। तो क्या पूछे क्या पूछे? अरे बहू, तुम तो सच बता दो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सार क्या है। हमारी जिंदगी का सार? अरे अब एक ऐसे नहीं, खड़े होके बताओ ना। चंद्रा के जीवन का सिर्फ एक ही सच है और वो किसी से छिपा नहीं है। भानु जी, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भानु जी की नाराजगी, उनकी बेरुखी,
और उनसे बिछड़ना नहीं बर्दाश्त कर सकते। चंद्रा किसी को खोने से नहीं डरती, लेकिन इनके बगैर चंद्रा की सांस भी नहीं आती। क्या बात है भाभी? दादी कह दी थी रावण की भी कमजोरी होती है, चंद्रा ताई जी की जिंदगी का यही सबसे बड़ा सच है, जो उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। हम पे आ गई दादाजी, आपकी बारी। आप कोई फिल्म में एक्टिंग कीजिए। फिल्म में? हाँ सही है, कर देते हैं। कितने आदमी थे? दो, वो दो और तुम तीन। खाली हाथ आ गए? अरे आते समय समोसा ले आते। क्या बाबू जी, खेल में भी खाना। अरे शरद कहाँ आ गया? तो चाचू आप क्या चुनेंगे, त्रुत या फिर डे? भाई हम तो आप सच ही चुनिए। ठीक है भाई, पूछो क्या पूछना चाहते हो। आप हमसे प्यार करते हैं? अरे भैया हम तो पूरी तरह पत्नी भक्त हैं और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। वाह, तो अच्छा बताओ शरवणी तुम क्या चुनोगी? देखो हमें तो सच बोलने की आदत है। तो फिर ये बताओ कि सुबह से तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो क्या है ना, हमें माँ की तबीयत की बहुत चिंता हो रही थी। क्यों हमारी चिंता करती हो, अब ठीक तो हैं हम। श्रवणी सिर्फ चाची के जरा से बीमार पड़ने पे इतनी परेशान तो नहीं हो सकती, पक्का कोई बड़ी बात है। दूसरी बारी। चाची आपकी बारी, आप अपनी दबंगई दिखाइए। नहीं बेटा हम क्या कर सकते हैं। अच्छा कुछ कर देते हैं, मुझे कुछ पकड़ा दीजिए जिससे हम कुछ कर पाए। बात नहीं करते बेटा, पर बंटी ने कौन सा जानबूझ के मारा है, उससे गलती से लग गया। नहीं माँ, वो किसी का ख्याल नहीं रख सकता। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, जब देखो तब उधम मचाए रहता है। अच्छा बस बहुत हो गया, नेत्रा तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे खेल तो बहुत अच्छा है, कभी कभार खेल सकते हैं ये खेल। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।